सबको करंट लगा। हाँ दोस्तों, फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई, सर्कस का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। तो चलिए दोस्तों मिलके एंजॉय करते हैं। तो इसमें लीड स्टार में है रणवीर सिंह, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा एंड मेनी मोर, और इसके डायरेक्टर वन एंड ओनली रोहित शेट्टी है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के, बिना किसी इंतजार के स्टार्ट। और अब दोस्तों वो वक्त आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। इंतजार है, बिल्कुल इंतजार था, बिल्कुल इंतजार था भाई। स्वागत कीजिए जिसका यहाँ है हर कोई फैन, आपका इलेक्ट्रिक मैन। ओके, ओ फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ इंजॉयबल बैकग्राउंड में म्यूजिक, इंजॉयबल है एंड रिफ्रेशिंग। ओहो वरुण शर्मा, ये जो मेरे साथ होता है उसे क्या कहेंगे? कुदरत का करिश्मा कहेंगे और क्या कहेंगे। अभी तो ऐसे बहुत से करिश्मे देखने बाकी हैं। खुद तो एक गुलमर इस बेचारी को रिटर्न, मतलब गुलमर 4 का म्यूजिक के भाइब दे रहा है। पता नहीं, शायद बोलती भी होगी। आप कौन है बहन जी? बहन जी समंदर में सुसु करने से सुनामी नहीं होती। ओहो संजय मिश्रा, अजीबो गरीब हो गए तुम, हम अजीबो अमीर। अजीबो अमीर है। अरे भाई, लोग बड़ा होके एक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, तो जनरेटर बन गया। जनरेटर बन गया। रॉय को देख के लगता नहीं कि वो इतने बड़े घर में रहता होगा। बिंदु को देखकर भी नहीं लगता कि आप उसके बाप होंगे। Was this a compliment? Maybe. Maybe. इसका म्यूजिक पूरा गुलमर रिटर्न का एकदम वाइब दे रहा है। इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। सबको सेल्फ रिस्पेक्ट। गुलमर 4 का पूरा वाइब दे रहा है, पूरा फुल वाइब। मैं तो बैंगलोर से इन्हीं कपड़ों में हूँ। खा मम्मी का सब, मम्मी का सब। मन ने थारे को कहीं देखा से? मैंने भी आपको कहीं देखा है। नहीं देखा से। आप पहले कभी उठी आए हैं? नहीं तो आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं, ए कंफ्यूजन, डबल होने पर कंफ्यूजन होगा उसके। कंफ्यूजन कॉमेडी। मैं अभी इसी वक्त तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी ऐसा लड़का लाऊंगा जो मेरी तरह हैंडसम और स्मार्ट हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शहर में मेरा कोई हमशक्ल है? चल माना तेरा हमशक्ल है, मेरा भी हमशक्ल होगा क्या? यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फोर टाइम द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कॉमेडी। आंखों से देखा है, डरा नहीं हूं मैं। फोर टाइम इन द फिल्म, प्रोड्यूस बाय रिचे सर्कस। ओके, दिक्कत बात कुका कैमियो। ओके, नाम क्या है आप सबके? मेरा गोपाल, लक्ष्मण, माधव, लक्ष्मण। गुलमर, गुलमर 4 का भी इसमें रेफरेंस दिया है और दीपिका पादुकोण का इसमें कैमियो है। देखो ये पूरा मूवी ही गोलमाल 4 का पूरा वाइब दे रहा है। इसका पूरा जो कलर पैलेट, उसके बाद में जो इसका बैकग्राउंड में म्यूजिक, जो कॉमेडी का सेंस, ये पूरा गोलमाल 4 है। पूरा एकदम कंफ्यूजन, सब कुछ एकदम गोलमाल 4 जैसा लग रहा है। अगर गोलमाल 4 के जैसा एकदम कंटिन्यू रखा कॉमेडी तो ये भी हिट होगा, क्योंकि वैसा कॉमेडी पसंद आता है लोग को। मुझे भी पसंद आया था और आपको भी पसंद आया था। पर मुझे लगता है कि ये ट्रेलर उतना, जितना मतलब होता है ना छाप छोड़ना, उतना छाप नहीं छोड़ पाया है। हाँ कॉमेडी का पूरा दिग्गज इसमें है, कॉमेडी होगा मैं नो डाउट। और इसका डायरेक्टर भी एकदम इतना कमाल कमाल का कॉमेडी मूवी बनाया है, नो डाउट कॉमेडी बहुत ही कमाल का होगा। पर एक होता है ना कि ट्रेलर से एकदम छाप छोड़ना, कि हाँ ट्रेलर देखकर लगा कि हाँ भाई कुछ अलग देखा, तो ऐसा नहीं लगा।
हाँ इसमें डबल सीन का कन्फ्यूजन है, उसके बाद में जो सिचुएशनल कॉमेडी होगा वो होगा, उसके बाद में जो इसमें होता है ना बैकग्राउंड म्यूजिक जो एकदम जोली टाइप के एकदम झूमने वाला टाइप का वो है, एकदम देखकर सही लग रहा है। और रणवीर सिंह के थोड़ा डाउट लग रहा है, कुछ भी बोलो कॉमेडी के थोड़ा सेंस मुझे थोड़ा कम लग रहा है। मैं वरुण शर्मा को देख लिया हूँ कॉमेडी में, वो अच्छा है, वो फिट बैठ जाता है। उसके बाद में बाकी इसमें दिग्गज कलाकार संजय मिश्रा, जॉनी लीवर, ये इन लोगों को तो बात ही छोड़ दें, इन लोगों को तो एकदम अपना काम एकदम सही से निभा लेंगे। पर रणवीर सिंह को अभी तक उतना एकदम हाई लेवल कॉमेडी में नहीं देखने पाया है। अब इसमें कॉमेडी कैसा वो कर रहा है वो थोड़ा डाउट है, पर मुझे डाउट थोड़ा कम क्यों है क्योंकि रोहित शेट्टी डायरेक्टर है, वो अपने आप को मतलब इतना ट्रेंड कर लिया है कॉमेडी मूवी डायरेक्ट करते करते कि वो इससे भी कॉमेडी करवा देगा। तो देखो स्टोरी में कुछ नहीं है, स्टोरी में ही है कन्फ्यूजन, मतलब कहीं से कहीं आता है वहाँ पे उसका हमशक्ल होता है और हमशक्ल के कारण से कन्फ्यूजन दूर होता है, कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन होता है। और इसमें जो पूजा हेगड़े है इससे प्यार करता है और जैकलिन फर्नांडिस उससे प्यार करता है और वो गरीब होता है ये थोड़ा धनी होता है, ऐसे किस्म के मतलब होता है ना कन्फ्यूजन वाला ये कॉमेडी है। तो नो डाउट कलरफुल लग रहा है पूरा ट्रेलर, कलरफुल मतलब पूरा एकदम वाइब दे रहा है कि हाँ कॉमेडी होगा। पर फिर भी मुझे जितना मतलब चाहिए था ना, एक होता ना अब रोहित शेट्टी इतना अपना बार सेट कर लिया है तो इतना है, इतना नहीं है। तो नो डाउट अब मूवी देखने में पता चलेगा, 23 दिसंबर को आ रहा है, तो आप लोग भी देखिए, मैं भी देखूँगा, इन्जॉय करूँगा, आप भी इन्जॉय करिएगा, धमाल मचाइएगा, मैं भी धमाल मचाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग ये ट्रेलर देखना चाहते हो रिसेप्शन में लिंक है, जाकर देखिए, मजा उठिए, प्यार बनिए। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़, आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर देखकर प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।